আমাদের একটা কার্টিসি মিটিং ছিল এবং সাথে বিশেষ করে দিল্লির উপরে সারা ভারতবর্ষে অপোজিশন পলিটিক্যাল পার্টির উপরে যে অ্যাট্রোসিটিস চলছে, যে অ্যাট্রোসিটিস চল রা হ্যায় হর অপোজিশন পলিটিক্যাল পার্টি স্টেট কো ইমানদারি সে জনতা কো চুনে হুয়ে লোগো কো কাম করনে নেই দেতা হ্যায়। ইভেন অরবিন্দ জী কা গভর্নমেন্ট কা হাম তো সুপ্রিম কোর্ট কো ইজ্জত করতে হ্যায়, ওনলি সুপ্রিম কোর্ট ক্যান সেভ দ্য কান্ট্রি, সেভ দিস কান্ট্রি নাও ডেজ। ইভেন মিডিয়া ইজ পারচেস্ট, দে ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল দ্য জুডিশিয়ারি, দে ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল অল দ্য এজেন্সিস। ইসি কে লিয়ে হাম লোগো নে আপোস মে বেঠে বাতচিত কিয়ে আর যে সুপ্রিম কোর্ট ভার্ডিক দেনে কা বাদ ভি জো অর্ডিনেন্স লেকে আয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিল্লি গভর্নমেন্ট কা খিলাফ মে, হামারা পার্টি কে লিয়ে মে সব পার্টি কো আপিল করেঙ্গে কি আগর হর পার্টি হাম এক সাথ মে অপোজিশন হো সকতা হ্যায়, দিস ইজ দ্য মৌকা হ্যায়, তো এক বহুত বড়া মেসেজ জায়েগা দেশ কে লিয়ে কি হাম বিজেপি কো রাজ্যসভা মে হারা সকতা হ্যায়, তো অর্ডিনেন্স ভি যা সকতা হ্যায়। এ বিজেপি কো হারানে কে লিয়ে 24 সে পহলে এক বহুত মৌকা মিল গিয়া, হামারা পার্টি সে হাম ডিসাইড কিয়া হ্যায় হাম এ অর্ডিনেন্স কো বিরোধ করেঙ্গে আর হাম সুপ্রিম কোর্ট কা পাস হাম ইসকো জাস্টিস মাঙ্গেঙ্গে। আভি হাম অরবিন্দ জি কো কে দে রা হ্যায় মাইক, অরবিন্দ জি বোলেঙ্গে, ইসকে বাদ মানজি ভি হ্যায়, ইসকা বাদ আগার আপকা লোগো কা কোই কোয়েশ্চন হ্যায় তো জরুর হাম লোগ কোশিশ করেঙ্গে। सबसे पहले मैं दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतना वार्मली हम लोगों को वेलकम किया, इतना प्यार, हमेशा दीदी का प्यार मिलता रहता है हम लोगों को, हमारी बड़ी बहन की तरह हैं दीदी। आज कलकत्ता मेरा इसलिए आना हुआ क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी पहली बार दिल्ली में, जैसे ही हमारी सरकार बनी इन लोगों ने नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन पास करके, एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर्स छीन ली कि हम किसी ऑफिसर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, अगर कोई ऑफिसर गलत काम करे तो हम उसकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ये सारी पावर हमसे छीन ली। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, एक हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया, और उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे जा रहा था। इसका मतलब इनके दिल में काला था, इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो अगले दिन उसके ऊपर स्टे लग जाता, तो इनका ऑर्डिनेंस गलत है। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, जहाँ भी तीन तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं, एक पहली चीज़ कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं, दूसरा जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएज को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं, तीसरा जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के ज़रिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहाँ भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, जो पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं, और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो ये इनको बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, और अहंकार जब हो जाता है आदमी को तो फिर वो बहुत स्वार्थी हो जाता है, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का, और मैं अब भगवंत मान जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ममता दीदी
मैं पहली बार बंगाल में आया हूँ और इतना इन्होंने हमें मान सम्मान दिया और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना नाम भी तो मान है। थैंक यू। और सेंट्रल हॉल में बहुत बार मिलते रहे, लोकसभा में जब मैं था तो बहुत से गलत जो बिल आते थे उनका मिलके तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलके हम उसका विरोध करते रहे, वेल में भी जाते रहे और हम बहुत से बिलों को वापस भी करवाते रहे। और जिस कमेटी का मैं मेंबर था उसके चेयरमैन जो थे सुदीप जी वो उनके चेयरमैन थे, तो FCI और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो बंगाल और पंजाब का बहुत जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। आज़ादी का संघर्ष जब चलता था तो बंगाल और पंजाब का आपस में, शहीद आजम भगत सिंह भी लाहौर से सीधा कोलकाता आते थे और यहाँ से उनके जो जितने भी आज़ादी के परवाने थे उनके साथ मीटिंगें चलती थी। अभी भी पंजाब से बहुत बड़ा नाता है क्योंकि बहुत भारी संख्या में पंजाबी जो हैं वो बंगाल में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, दूसरे बिजनेस हैं। तो जैसा कि अरविंद जी ने बताया, ये लोकतंत्र को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने लगे हैं सेंट्रल सरकार वाले। यहाँ तक कि मेरे 117 में से 92 MLA बहुत बड़ा मैंडेट है, फिर भी मुझे अपने बजट सेशन को जो है चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से अड़ रहा है कि राज्यपाल रोक नहीं सकता, बजट सेशन चलना चाहिए, इस लेवल तक हमें तंग करते हैं। तो अगर दिल्ली में भी तंग करते हैं, अभी स्टालिन जी की हमारे पास चिट्ठी आई कि हमें हमारे बिल नहीं पास हो रहे, केरला के जो चीफ मिनिस्टर उनकी चिट्ठी आई कि पास नहीं होने दे रहे, दो दो साल से जो है वो बिल पड़े हैं गवर्नर हाउस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, अगर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री ने देश चलाना है तो करोड़ों अरबों रुपया चुनाव पे क्यों खर्च रहे हैं? फिर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री चला लें मुल्क को, देश को, फिर लोकतंत्र का, अभी बाहर जाके विदेशों में जाके ये लोकतंत्र का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं कि किसी को काम नहीं करने देते। अगर आप इलेक्शन नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया, कर्नाटक में भी ऐसा किया था और गोवा में भी ऐसा किया था, दिल्ली में, मतलब LG मीन्स गवर्नमेंट, ऐसा इस लेवल तक की वर्डिंग जो है लोकसभा में पास करवाई है, LG मीन्स गवर्नमेंट। तो फिर आप इलेक्शन जो होती है, जो करोड़ों लोग इलेक्शन में जो लाइनों में लग के अपने पसंदीदा MLA विधायक और मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो वो उनके लिए, वो किसके लिए वोटिंग कर रहे हैं? तो ये मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का। तो ममता दीदी का बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती हैं, सफलतापूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो CBI की रेड्स का मामला हो, चाहे ED का मामला हो। तो हम लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने का सवाल पैदा हो गया, लोकतंत्र को बचाने का सवाल पैदा हो गया। तो पार्टियां आपस में बहुत से पॉलिटिकल या विचारक मतभेद होंगे, लेकिन अगर देश रहेगा तो हम पार्टियां रहेंगे ना। अगर 24 में ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज ही कोशिश करते हैं संविधान बदलने की, तो देश के संविधान को खतरा पैदा कर दिया इन लोगों ने। इतने सत्ता की भूख हो गई या इतना ये अहंकारी हो गई जैसा अरविंद जी ने बताया, लेकिन हमारे पंजाबी में कहावत है कि हंकार दा सिर नीवा होंदा, हंकार हमेशा हारता है और भगवान भी हंकारी बंदे की जो है वो हेल्प नहीं करता। हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग देशभक्त लोग हैं, अपने अपने फील्ड को छोड़ के हम राजनीति में आए हुए हैं और हम चाहते हैं देश नंबर वन बने दुनिया में, लेकिन वो तभी बनेगा जब सच्ची नीयत वाले लोग जो है वो आगे आएंगे। तो मैं आज जो ममता दीदी ने कहा है कि इस ऑडियंस का विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे राज्यसभा में, उससे हमारा हौसला बढ़ा है और हम चाहते हैं कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो वाला नारा जो है वो देखने में भी, ग्राउंड में भी देखने को मिले। बहुत धन्यवाद। इज इट रेडी क्वेश्चन? बारे चारटे पांचटार बेशी ना, थंडरस्टॉर्म होच्छे किंतु।
ওদের ফিরে যেতে হবে না একটা প্রশ্ন আছে আমি প্রশ্ন ইংরেজিতে করছি এখানে ইয়েস ইউ হ্যাভ অলরেডি প্রপোজড ওয়ান না না ইউ টেল মি ফার্স্ট ফার্স্ট ফ্রম হুইচ মিডিয়া দিদি দিস ইজ সাফি ফ্রম ডেকান হেরাল্ড নিউজপেপার ওকে 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 ইউ হ্যাভ অলরেডি প্রপোজড 1:1 ফাইট এগেইনস্ট দা বিজেপি এন্ড ইন্ট্রাকশনস হ্যাভ স্টার্টেড বিটুইন অপোজিশন পার্টিজ হাউ লং ক্যান ইট টেক ফর আ কোয়ালিশন টু টেক প্লেস और अर्जुन जी आपके लिए मेरे एक सवाल है कि आप अभी ट्वीट कर सुबह आप निकले हैं कि ये लड़ाई केवल दिल्ली वालों की लड़ाई नहीं है इसमें सबके साथ की अपेक्षा करता हूं आज से देश भर में निकल रहा हूं तो इस अपेक्षा में क्या कांग्रेस शामिल है और मनीष जी का जो दुर्व्यवहार का मामला है उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये दुष्प्रचार है धन्यवाद पहले मैं अपने क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि जैसा अभी एग्जाम्पल्स दिए दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय दिया था 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को उनका हक मिला था और एक हफ्ते के 8 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने 8 दिन के अंदर उसको ऑर्डिनेंस लाके पलट दिया दिल्ली के लोगों को फिर से सड़क पे ला दिया और ये केवल दिल्ली की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी वैसे ही करते हैं पंजाब के गवर्नर अभी जो मान साहब ने बताया आपको जान के आश्चर्य होगा इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए पंजाब के गवर्नर ने मना कर दिया कि बजट सेशन नहीं होगा ऐसा हो सकता है जनतंत्र में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को बजट सेशन बुलाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मेरे पास लेटर आया उन्होंने लिखा कि ढेर सारे बिल गवर्नर कई महीनों से लेके बैठे हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि उनके 22 बिल गवर्नर लेके बैठे हैं केरला के चीफ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई हो कि उनके वाइस चांसलर अपॉइंट ने सारी गवर्नमेंट्स के अंदर वो तंग कर रहे हैं कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको उन्होंने गिरा दिया या तो खरीद के और या उन्होंने डरा के सीबीआई ईडी भेज के ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है ये इनके अहंकार के खिलाफ है ये इतना अहंकार हो गया इन लोगों को इतना अहंकार हो गया इन लोगों को कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे आपकी सरकार गिरा देंगे आपके एमएलए तोड़ देंगे ऐसे तो देश नहीं चल सकता दूसरा आपका क्वेश्चन मनीष जी के बारे में आपने देखा होगा वीडियो किस तरह से आज मनीष जी को गले से पकड़ के कोर्ट रूम में घसीट के ले गए ये लोग इज दिस द वे यू ट्रीट द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे तो ट्रीट नहीं करते तो उनकी क्लैरिफिकेशन जो मर्जी हो क्लैरिफिकेशन तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया पर वीडियो आप देखिए दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही इज नॉट एन अक्यूज्ड ही इज नॉट अ कन्विक्ट अभी तो उनके ऊपर आरोप है आरोप साबित नहीं हुए हैं ऐसा जो मनीष जी का बारे में जो बोला है अरविंद जी वो दिन हमारा घर में भी वो पुलिस हो उसका घर में अभिषेक का घर में नोटिस देने के लिए वो नहीं था वो बांकुड़ा में था तो 2:30 बजे जाके बोला अभी तक अभी नोटिस दे दो नहीं तो कल दिखा दूंगा कल नहीं आएगा तो ऐसे ऐसा बात किया व्हाट दे थिंक्स दैट दे आर द वी आर द बॉन्डेड लेबर्स व्हाट दे थिंक्स दैट वी आर देयर सर्वेंट ईगो का एक लिमिट होता है जो भी मर्जी कर सकता है हम लोगों को तो ये अभी चिंता है जो कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे देश का नाम ना बदल दे देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा वो लोगों को नाम पे कर देगा ऐसा नहीं चल सकता है आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे आज मणिपुर में हर रोज ब्लड निकाल रहा है लेकिन कोई भी नेता को टाइम नहीं मिला उसका पार्टी का कि उधर में जाके थोड़ा जाके मिले पब्लिक का साथ आज भी लोग नहीं निकाल सकता है लेकिन इसको बड़ा बड़ा बात चलते है और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है कल इसको अरेस्ट करेगा परसों इसका घर में ईडी जाएगा तरसों इसका घर में एनआईए जाएगा कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा छोटा लड़का को जो चुनो पुटी हमारा बांग्लाए बोली ऐसा माफी उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो क्या ये गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ द बुलडोजर बाय द बुलडोजर एंड फॉर द बुलडोजर दे वॉन्ट टू डिमोलिश द कॉन्स्टिट्यूशन दे वॉन्ट टू बुलडोज द कॉन्स्टिट्यूशन इवन दे डोंट रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आई एम रियली शॉक्ड बिकॉज आई एम ऑल्सो आई एम ऑल्सो ए लॉयर
So always we respect the court body. Sometimes it may be in favor of me, sometimes it may be my against of me. We can discuss about the verdict, not the judge. You know what is going on here, never we said. Even when Supreme Court gave a verdict, strong verdict, after so many years, they will go for election, they will go for people, they will work 5 years for the people, and ultimately, central government will rule all the state through governor, through ordinances, through some letters. आज भी मेरे को एक लेटर मिला कि फॉरेनर्स को ढूंढो. कहाँ से फॉरेनर आएगा इधर में? जो वीसा है, जिसको है पासपोर्ट है, उसके पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन रहता है. ये एनआरसी करने का मतलब है कि चुनाव का पहले ये सब चला कि मिसे काम करो, लेकिन इससे रोका नहीं जाएगा. हम हॉट पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हॉट पॉलिटिकल पार्टी. इवन देयर आर सम बीजेपी पार्टी मेंबर्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी. आई विल रिक्वेस्ट देम ऑल्सो गिव वोट टू नॉन बीजेपी पार्टी दिस अगेंस्ट ऑफ ऑर्डिनेंस. अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस करेगा तो कोई राज्यों को कल तोड़ देगा, परसों तोड़ देगा. मेजोरिटी रहने से भी ऐसा नहीं कर सकते है. देयर आर सम सिस्टम्स, ये तो खतरनाक बन गया देश के लिए. धमाका मचा दिया. 2000 का नोट तो क्या था, 2016 में तो एक दफे किया, तब तो हम लोगों ने कहा था कि जनता को 2000 नहीं चाहिए, 1000 का रुपये में काम हो जाएगा, 500 में, 100 में, 200 में. तब तो बात नहीं सुना. अभी ऐसा क्या हो गया कि बाहर जाने का पहले तुरंत इसको करना पड़ा? एलआईसी को 3 लाख करोड़ रुपया का लॉस हो गया, इसको तो काउंट हो जाता है एक साथ में. क्या ऐसा धमाका है? तो इसी के लिए देश का हर आदमी दुखी है. किसान लोग भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है. सब झूठा बोलता है. हम 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को नौकरी देगा, आज पूजन तो किसी को दिया? एक टेंट बनाया, 10 डिपार्टमेंट उठा दिया, बजट उठा दिया, उसमें भी अब देखा कि इंजिन कहाँ का है और कैसे बनाया है और कैसे तोड़ गया है और क्या सिचुएशन है पब्लिक का. एक एक लोकल स्टेशन में एक एक टिकट का भाव ऐसे ही 10 रुपया से 30 रुपीज बना दिया. जैसे हमको पास कठुआ पैसेंजर्स एसोसिएशन से लेटर आया. तो देश में जो चलता है, दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हो गया डबल इंजन वाला. जो गवर्नमेंट बोलता है एक ट्रबल इंजन और टेरेबल इंजन बन गया. तो अगर एट्रोसॉस टेरेबल कुछ चलेगा तो इसको हम लोगों का हिम्मत है इसको लड़ने के लिए. जो भी करना है आप कर लो. हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे. हमारा कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली जनता को सेफ करना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी रक्षा करना चाहिए, देश को रक्षा करना चाहिए. आई एम टोटली 100% विथ अरविंद जी मान. आई एम टोटली 100% विथ तेलंगाना बोलो, पंजाब बोलो, तमिलनाडु बोलो, आप केरला बोलो, आप आंध्र प्रदेश बोलो, आप चेन्नई बोलो, आप उड़ीसा बोलो, आप बिहार बोलो, आप झारखंड बोलो, हर जगह में हम लोग एक साथ में आए. और एक साथ में हमको और भी जुटाना है. आप लोगों को मदद भी मैं चाहती हूँ. मीडिया को तो बोल देता है ये बात कहना, ये बात नहीं कहना. मीडिया को भी थोड़ा इम्पार्शियलिटी देना चाहिए. मीडिया को मालिक लोग डरते हैं, ये लोग डराता है. आज तो 6 महीना का बात है भाई. और अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकल कुछ हो जाए, तो उसका पहले भी जा सकता है. Who can say? Today I am alive, tomorrow I may not be. तो इसी के लिए ये देश में ये लोग नहीं चलेगा. इलेक्शन भी होना है तो 6 महीना बाकी है, इतना ज़्यादा नहीं है. अभी उसी के लिए एजेंसी को डांट के भेजता है, ये करो, वो करो, वो करो.
अरे सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दिया यू शुड हैव बीन एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्या है दिल्ली का चपरासी को आप क्यों ऊंचाई ट्रांसफर करेगा? दिल्ली को एम्प्लॉयज को दिल्ली गवर्नमेंट का अंडर में है, आपका अंडर में नहीं है. आपका अंडर में तो डिफेंस है, उधर में हेडक्वार्टर, आपका उधर में होम मिनिस्ट्री है, आपका उधर में बीएसएफ है, आपका उधर में सीआईएसएफ है, आपका अंडर में सीबीआई है, आपका अंडर में ईडी है, आपका अंडर में एनआईए है, क्या नहीं है, पुलिस है, सब कुछ है आपका अंडर में. तो ये लोग चुनाव में जाएगा लड़ेगा और इसको सब पावर अप तोड़ लेंगे, ये बात नहीं चल सकता है. लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश बचेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा. इसी के लिए जितना जल्दी ये बीजेपी पार्टी को हटाना हम लोग को सबका काम है और ये काम पे हम लोग एक साथ में चलेंगे. थैंक यू. थैंक यू.